वो आप देख लो, फिर ये मतलब बोलना भी इतना ज़्यादा सर। हाँ जी, नहीं 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 कुछ नहीं घुमाऊंगा, हमने सिर्फ बच्चों के प्रोग्राम देखना है। Thank you.
टाइम मेरी तरफ देख रही हैं। कुर्सियों पे बैठ जाइए। जो लोग नीचे बैठ सकते हैं नीचे बैठ के एक कदम आगे बढ़िए और मेरे पीछे पीछे बढ़िए। ओम ज्ञानमिरन्दस्य एक एक हमारे जो अनर्थ हैं
जो अनर्थ हमें वास्तविकता में भगवान से भक्ति से दूर रखते हैं, उन अनर्थों का द्योतक है ये सारे। तो हमने सबसे पहले चर्चा की थी भूतना की। जो भूतना है उसके बारे में वो छद्मवेश में आई थी, सुंदर सी बन के आई थी, ये तो राक्षसी लेकिन बड़ा सुंदर वेश धारण करके आई थी और क्या करना चाहते थे, कृष्ण को मारना चाहते। इसी प्रकार जो लोग थोड़ा बहुत भक्ति करना चाहते हैं उनके जीवन में भी उसके हितैषी के रूप में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि उसकी भक्ति का विनाश करते हैं, समझ पाए, और वो हमें लगता है बहुत अच्छा है, मेरा अच्छा भला करने वाला। जैसे पूतना को देखने के बाद सारे ब्रजवासी क्या सोचने लगे कि ये किसका कृष्ण के लिए बड़ा वात्सल्य भाव लेके आई है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसी कई सारे, जब हम लोग थोड़ी बहुत भक्ति करने के यहाँ पे आएंगे, आप लोग यहाँ से जैसे ही जाएंगे आपको लिए लोग अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ पूतना टाइप के लोग आपको मिल आएंगे जो आप थोड़े बहुत जो जागृत हुए सत्यानाश करने के लिए रेडी होंगे। और जो कंस होता है वो हमेशा रेडी रहता है कि जैसे ही भक्ति करने की भावना पैदा हो जाए किसी के अंदर उसको जड़ से ही खत्म कर दो, क्योंकि अगर भक्ति भक्ति शुरू हो गई तो क्या होगा, उनकी नहीं चलेगी। तो जो भौतिकवादियों का जो भावनाएं हैं, मतलब भौतिकवादी मतलब क्या, मैं और मेरा, यहाँ भगवान का कोई स्थान नहीं, भगवान आ गए फिर हम लोग कैसे सेंटर में रहेंगे। तो कंस जैसे लोग नहीं चाहते हैं भगवान बीच में आए, और वो लोग क्या करते हैं, साइंस का मदद लेते हैं। साइंस आज तक सोल को बता नहीं पाया, और हमारी भक्ति का शुरुआत ही सोल से होती है, पर आत्मा होती है नहीं होती है, आत्मा होती है, और आत्मा के एक ये पहला जन्म नहीं है, पहले अनंत जन्म हो चुके, आगे भी जन्म होंगे, ये साइंस नहीं बता सकता, यहां से शुरू होती है भक्ति। और वो लोग क्या करते हैं, साइंस के मदद लेके थोड़े वो जो भक्ति मिली है और भक्ति से वास्तविकता में व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकते, उसको खत्म करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। उसमें सबसे पहला जो रोल अदा करते हैं वो कौन करता है, हमारा जो आजकल का एजुकेशन सिस्टम, जिनने चर्चा की थी कि आजकल का एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार से बच्चे को उस फैक्ट्री में चला जाता है और उस फैक्ट्री से जैसे ही बाहर आता है तो नास्तिक बन गया है, नास्तिक बन गया है कि ये सब क्या है, ये सब कोसता है, सब अंधविश्वास है, भगवान भगवान नहीं होते, ये सब उस फैक्ट्री से निकल के आने के बाद वो नास्तिक हो जाता है। और दूसरे हमने चर्चा की थी पूतना कौन है, पूतना का जो प्रतिनिधित्व करते हैं आज वो है धर्मध्वज। जो लोग वास्तविकता में धर्म को जानते नहीं है लेकिन धर्म का झंडा लेके चल रहे हैं, वैसे भी लोग हैं कई, और ये बड़ा, तो हमें इनसे बचना चाहिए। इनसे बचने का उपाय क्या बताया था हमने, जो जो भगवान का प्रतिनिधि भगवान ने जो भेजा है वो जब डिक्लेयर करता है, वो जब आवाज लगाता है, वो बताता है कि भगवान आने वाले हैं, और उसकी हुकार से उसके प्रार्थना से भगवान प्रकट होता है। तो इसी प्रकार जब हम लोग भी भूतनाओं से बचना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए, उसी भक्तों की शरण में जाना चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया, जो लोग भगवान इस्कॉन में आते हैं शुरुआत में वो भी वैसे ही होते हैं, पूरे नास्तिक या फिर सब भगवान एक है आगे ऐसी चीजें, लेकिन थोड़े दिनों के लिए भक्तों का संग करते हैं, क्या हो जाता है, उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि भगवान है और भगवान मेरी भक्ति को स्वीकार कर, मेरी रक्षा कर, तो पूरा विश्वास हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है, मुझे सेवा करनी चाहती। तो हमें भक्तों के शरण में आना चाहिए। और दूसरी बात, बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, तो इस्कॉन ने बच्चों को बचाने के लिए तरीका अपनाया है, वो क्या है, बच्चों को GGS स्कूल हमने खोला है। अब अपने बच्चों को, हमारा जो संडे का स्कूल होता है, संडे को बच्चों का स्कूल होता है जिसमें
उनको मॉरल वैल्यूज, कृष्णा कॉन्शियस एजुकेशन, तो धीरे धीरे मात्रा में बच्चों के माध्यम बच्चों को जैसा दिया जाता है वैसे देते हैं। तो वो क्या करता है, हमको जैसे कृष्णा छोटे से बच्चे के रूप में पैदा हुए और भूतना बहुत बड़ी राक्षस से भी वध कर दिया, तो इसी प्रकार जैसे ही हम लोग बच्चे को या फिर खुद को कृष्ण भक्ति से जोड़ देते हैं, कृष्ण से जोड़ देते हैं, क्या होता है कृष्ण उसका वध करते हैं, फिर वो सारी बाहर की भूतनाएं आपको ट्रबल नहीं कर सकती। समझ पा रहे लॉजिक? आचार्य ने बताया था तो जो लोग अपने बच्चों को जीजीएस में डालना चाहते हैं वो कौन देखते हैं, माता जी जीजीएस माता जी से बात कर सकते हैं, दो तीन घंटे का एक क्लास होता है आप लोग ला सकते हैं अपने बच्चों को ना धीरे धीरे। नास्तिकवाद के जो घर जाल बना हुआ है, तो ये जगत स्वाभाविक रूप से नास्तिक लोगों का सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनका एक विजन होता है कि उनको लगता है जो दिखता है वही होता है, भगवान नहीं दिखते तो है। तो आत्मा नहीं है तो फिर आत्मा भी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग देख नहीं सकते। शुरुआत ही होती है इससे हवा से, हवा दिखती है तो हवा नहीं है, है ना? तो जैसे हम लोग हवा को फील करते हैं उसी प्रकार फिर हवा के ऊपर आता है आकाश, फिर आता है मन, मन भी है कि नहीं बोलते मेरा मन बड़ा परेशान है, कहाँ किसको दिख रहा है मन परेशान, लेकिन मन है कि नहीं, इसी प्रकार आत्मा भी होती है। और आत्मा का बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं भगवान, जैसे व्यक्ति ये शरीर बदलता है बचपन से लेके मरने तक, लेकिन वह व्यक्ति नहीं बदलता। व्यक्ति जब भी अपने बचपन की फोटो देखता है तो क्या कहता है, ये मैं, लेकिन कोई देखेगा उसको तो बोलेगा लेकिन तेरा शरीर तो अलग है, तू अलग है, बोले ये नहीं मेरा, क्या होगा शरीर बदल गया, आत्मा वही रहती है शरीर बदलता है। इसी प्रकार जब जीवन व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो भगवान कहते हैं उसी प्रकार एक दूसरा शरीर उसको मिलता है उसके कर्मों के अनुसार। बहुत सुंदर रूप से भगवदगीता में बताते हैं। तो भूतना का हमने चर्चा किया था, इसके बाद हमने दूसरा कौन सा असुर चर्चा किया था, शकटासुर, शकड़ा होता है जो शकट जो बैलगाड़ी होती है ना जिसमें बैल जोते नहीं होते उसमें, उसको शकट कहते शकड़ा कहते हैं शकटासुर। तो उसमें वो आ गया था तो उसके बारे में यह था कि शकटासुर जो है ये हमारे जीवों की जो भार ढोने की जो बिना कारण भार ढोने की जो आदत है आलस्य, धार्मिक क्रियाएं भक्ति की क्रियाएं करने के लिए आलस्य और दम्भ अहंकार, तो इन चीजों का देवता था। तो आया था तो वो भी क्या करने आया था, भगवान को मारने आया था। भगवान ने क्या किया उसको, एक छोटे से बच्चे थे दिनों के थे, तो भगवान ने क्या कर दिया ऐसे बच्चा खेलते खेलते पैर ऊपर से पैर मार दिया, तो फिर उस छकड़ा से क्या हो गया ऐसे लिफ्ट ऊपर जाते हैं और वो इतना पलटी खाया हो वो छकड़ा है कि उसी में उसने शरीर छोड़ दिया और अंदर से जितने भी बर्तन थे वो नीचे गिर, और बर्तन गिर के गिरने के बाद बहुत आवाज हुई, आवाज करने का कारण ये भी था कि भगवान को भूख लगी थी, फेस्टिवल चल रहा था, भगवान रो रहे थे, लीला को पूरी करते हैं भगवान, जब भी भगवान आते हैं तो अपनी लीला परफेक्ट रूप में करते हैं। तो भगवान बच्चे के जैसे रो रहे थे तो उसको सुनाई नहीं दे रहा था, तो उनका आगे गुस्सा तुम्हें छक्का मारते तो सारे के सारे बर्तन जोर जोर से गिर गए, सारे पूरे ब्रज में आवाज आ गई। भगवान को विचार करने लगे अबे आया आवाज, अब मुझे भूख लगी मुझे, तो इस रूप में छकड़ा असुर का वध किया। जो तीसरा असुर है जिसका वध किया वो है तनाव, क्या नाम है उसका, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, क्या नाम है, त्रिन
त्रिनावर मतलब जो भवंडर में जब तीनों होते हैं ना, तो सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, आसपास की चीजें भी नहीं दिखती, आंखों में धूल चली जाती है। जो त्रिनावर है ये भवंडर के रूप में आता है। एक दिन क्या हुआ, माता यशोदा बच्चे कृष्ण को लेके गोद में लेके दूध पिला रही थी, स्तनपान करा रही थी, तो क्या हुआ, कृष्ण बहुत भारी लग गए, तो यशोदा पर दूसरा थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा, यशोदा नीचे रख के फिर कहीं दूर चली गई। तो जैसे दूर गई क्या हो गया, जोर से भवंडर आ गया और दूर थी कृष्ण अकेले थे, तो बहुत जोर से भवंडर आया। क्या हुआ कि सारे के सारे ब्रजवासियों की आंखों में धूल चली गई और कोई किसी को कुछ दिख नहीं रहा। यशोदा को तो लग रहा था कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, तो ऐसे क्रंदन करे जैसे एक गाय अपना बछड़ा हो जाता है तब होती है। तो तब तक क्या हुआ, भवंडर आया, इस घूमते हुए आता है ना, इतनी जोर से आता, बहुत बड़ा था, विशाल पूरे ब्रज में वो छा गया। वो आया और उसने क्या किया, आते आते कृष्ण को उठा के लेके चला। अब कृष्ण बालक को उठा के लेके गया, तो बालक भी अब उसे साधारण बालक थोड़ी ना, तो बालक को उठा ले गया और ये ढूंढते ढूंढते उस जगह पे भी पहुंचे, वहां भी नहीं मिला कृष्ण। तो अभी तो ब्रजवासी की हालत बड़ी खराब हो गई। तो अभी बालक क्या कर रहे थे, बालक को घूमने की इच्छा थी, जैसे वो उसमें जाते हैं ना फेरीज झूले, झूले झूले में एक अलग आनंद आता है ना, एक अलग एक आनंद है, बच्चे ऊपर जाते हैं घूमते हैं, अलग से एक फीलिंग आती है। तो भगवान की उस लीला का आनंद लेना चाहते हैं, तो भगवान को उस लीला का आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने क्या किया, उस असुर के माध्यम से भगवान आकाश में घूमने लगे। थोड़ी देर जब भगवान को लगा कि बहुत हो गया, अभी मेरी माता आदि परेशान हो रही है, भगवान ने क्या किया, फिर उसका गला पकड़ लिया, मुझे नीचे बच्चा आपने बोलेगा तुम्हें, उसका गला पकड़ लिया, मुझे नीचे जाना। तो फिर उसे समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, मुझे भारी क्यों लग रहा है इतना, तो इतना भारी हो गया वो भगवान, क्योंकि वो नीचे नहीं छोड़ रहा था, भगवान ने अपने आप को इतना भारी कर दिया कि जैसे कोई पर्वत, पर्वत जैसे भारी हो गए भगवान, भगवान भगवान भगवान। तो वो उसका भवंडर अचानक घूम गया, अब घूम नहीं पा रहा हो क्योंकि इतना भारी है, तो भवंडर रुक गया और वो ऐसी स्पीड से गिरा, ऐसे 60-70 मंजिल ऊपर से जब कोई गिरता है और इतनी भारी वस्तु के साथ में गिर रहा है, तो क्या गिरा होगा सोचिए, इमेजिन करिए, ऐसे स्पीड से गिरा, गिरा क्या हो गया, और भगवान ने ऐसे गिराया उसको भी गर्दन पकड़ रखी, उसे गिराया लेकिन इस पे एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर सिर पड़ रहा उसका, उसको सारा सारा शरीर में छिपरे छिपरे हो गया। वही भगवान मेरी बातें मिला के बच्चे की तरह ले गए, घर वाले आए उनको उठाया लेके चले, और उनको लगे अरे अरे बच्चा मिल गया, मिल गया, भगवान की बड़ी कृपा है। तो यशोदा ने उनको दूध पिलाया, बच्चा बड़ा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इससे। कि मन भी सोचने लगे इतना बड़ा असुर आया था, सच में भगवान की विशेष कृपा है कि मुझसे मैं अल्लाह में बच गया। तो जितना वर्त है वो कौन है बता, हमारे अर्थ में इतना वर्त है मटेरियल एजुकेशन का क्वालिफिकेशन, हमें जब भौतिक ज्ञान हो जाता है ना, हमें लगता है हम बहुत बड़े हो, बहुत अहंकार आ जाता है, और वो अहंकार क्या कर देता है, हमारा मति भ्रमित कर देता है, हम लोग फिर भगवान को देवताओं को कुछ नहीं समझते, हमें लगता है कि मैं देखो साइंस है, एजुकेशन है, मैं बहुत बड़ा स्पेशल व्यक्ति हूँ और सब लोगों को मेरी समझ होना चाहिए। ये सारा जो अहंकार है ये इसको देवताओं को ना,
तो ये जो अनर्थ है आपको धर्म और भगवान की शरण में जाने में रोकता है, ठीक है। तो इससे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जब भी हम लोग साधुओं के साथ में आए, साधुओं के सामने आए, तो इस अहंकार को हम लोग एक पर्वत लेके चल रहे थे अहंकार, तो उसको साधुओं के सामने भगवान के सामने जब आए तब क्या करना चाहिए, उसको थोड़ी देर के लिए उठा के बाजू में रख देना चाहिए या फिर मंदिर के बाहर छोड़ के आना चाहिए, और जब अंदर आओ तो खाली खाली होकर आना चाहिए ताकि भगवान के सामने आप माथा झुका सकें, वास्तविक रूपता में अहंकार को बाजू में रखते हुए भक्तों के सामने आप माथा झुका सकें, भक्तों को प्रणाम करके आपको उतना ही फायदा मिलता है जितना कि भगवान को प्रणाम करके मिलता है। क्यों? क्योंकि तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवान भक्तों के हृदय में वास करते हैं, विश्राम करते हैं। फिर बिना गर्व का हो गया, फिर एक बार आता है जो नलकुवर और मणिग्रीव, तो जो नलकुवर और मणिग्रीव थे आप लोगों को तुम्हारा वर्ग का समझ में आ गया, जिसको समझ में आया हरी बोल बोली हरी बोल। यस, आपकी ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। इसके बाद में आता है भगवान ने नलकुवर और मणिग्रीव का उद्धार किया, ये यमल अर्जुन बहुत बड़े बड़े विशाल पेड़ों के रूप में पैदा हुए ब्रज में थे, तो इनके पिछले जन्म की कथा है कि ये कौन थे, कुबेर जी के पुत्र। जब कुबेर, कुबेर तो खजाने हैं, खजाने के रखवाले हैं देवताओं, है ना, खजान जी कहते हैं ना, क्या कहते हैं जी, अकाउंटेंट या फिर लोग पैसे रखने वाले, देवताओं का सारा पैसा उनके पास। तो उनके जो पुत्र थे वो पैसों की वजह से और अपना जो वर्ग है अरिस्टोक्रेटिक वर्ग, रॉयल फैमिली में जो उनका जन्म हुआ है उसके वजह से उनको बड़ा अहंकार, और उस अहंकार के विषय को क्या करते थे वो, जब ज्यादा पैसा हो जाता था तो क्या करते, उड़ाने की कोशिश करता है, पैसा क्या करता है वो, किस चीज में, गैम्बलिंग, स्त्रियों में, पुरुषों में, जो भी है, खाने में, घूमने फिरने में, लेकिन तो वो भी वही कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, कुछ अप्सराओं के साथ मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे, खेल रहे थे और निर्वस्त्र होकर खेल रहे थे। नारद मुनि वहां पे आया और उसमें पिए हुए थे। नारद मुनि जब आए तो नारद मुनि ने देखा कि ये ऐसे हैं, तो जैसी स्त्रियों ने देखा, अप्सराओं ने देखा, उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया, लेकिन ये दोनों ने नहीं ढका। तो नारद मुनि ने कहा कि हमको श्राप दिया कि आप क्या करो, आप पेड़ बन जाओ। नारद मुनि ने ये सोचा कि देखो ये लक्ष्मी जिसके पास ज्यादा हो जाती है कितने सारे अनर्थों को ये जन्म देती है, अब इनके पास पैसा ज्यादा हो गया है तो इनको क्या हो गया, अहंकार हो गया है, ये साधुओं को देवताओं को कुछ मानते नहीं है, तो इनको क्या है, सबक सिखाना चाहिए। तो नारद ने कैसे सबक सिखाया उनको, उनको गरीबी का पाठ पढ़ा, उनको वस्त्र भी नहीं मिले, ऐसे ही योनि में भेज दिया, इसमें भेजा वृक्ष की योनि में, और फिर जब वो गिड़गिड़ाने लगे तो उनको क्या बनाया, उनको कहा कि भगवान आपका उद्धार, आप नंद के महल में आप लोग क्या बनेंगे, वृक्ष बनेंगे, जब भगवान आपको गिरा कर के आपका उद्धार करें। फिर भगवान ने उनका उद्धार किया, जैसे यशोदा ने बांधा हुआ था तो उसमें तो जाएंगे नहीं लोग, उसको फिर भगवान ने, और वो लाखों सालों से थे, एक एक पेड़ ऐसे बहुत बड़ा था, आपने अगर 500 साल पुराना पेड़ भी देखा हो ना, वो इतना बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा हो आत्मिया, अब वो तो लाखों साल पुराने, और भगवान ने जस कह दिया हमको, उनके पीछे जो लगा हुआ था उससे जस खींचा तो क्या हो गया, उखड़ गए वो। अब देखो पेड़ गिराना और उखाड़ना भगवान की शक्ति को देखिए,
उनको उखाड़ रहा है तो तब भगवान वो उनका उद्धार होता है। तो इससे ये सीख मिलती है हमें कि हमें भगवान ने भगवान की कृपा से अगर किसी अच्छे घर में जन्म मिला है, अच्छे माता पिता के चरण में हम लोग हैं और हम लोगों को अच्छा धन धन आदि चीजें दी है भगवान, तो अगर हम लोग उसका अहंकार करेंगे और साधु और भगवान का आदर नहीं करेंगे, जनरली देखा जाता है जिनके पास बहुत पैसा होता है बहुत अहंकार होता है, लेकिन कुछ लोग पुण्य आत्माएं होती हैं उनको नहीं होता। तो भगवान इसे हमें सिखा रहे हैं कि हमें अगर ऐसा अहंकार करेंगे तो क्या होगा, पुनर्मूषित होगा आपको, फिर से शुभ फिर से आपको क्या करेंगे भगवान, गरीबी का पाठ पढ़ाएंगे। तो हमें कभी भी अपने अपना जो भी बर्थ है एरिस्टोक्रेटिक या फिर जो अच्छे घर में बड़े घर में पैदा हुए हैं और हमें अगर भगवान ने कुछ पैसा दिया है आदि, इससे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और साधुओं का और भगवान का हमेशा आदर करना चाहिए, जैसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, धर्म में लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें और ज़्यादा व्यक्ति मिले और भगवान हमें सपोर्ट करें। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग शुरू ठीक है, एक बार दोनों हाथ खड़ा करिए, नहीं रुकिए रुकिए, सांस करिए और जोर से बोलिए हरे चलो प्रभुपाद की जय।